ये है जोलवास, जिसके अंडे देने के तरीके को देखकर आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। दरअसल इस प्रजाति की फीमेल्स अंडे देने के समय एक कॉकरोच को पकड़कर उसके सीने में डंक मारकर उसे इमोबिलाइज कर देती है। उसके बाद ये कॉकरोच के सिर को डंक मारकर अपने जहर से पूरी तरह नियंत्रित कर लेती है। फिर इस डिफेंसलेस लेकिन जीवित कॉकरोच को बिल में घसीट कर ले जाती है और इसके सीने के नीचे अंडे देती है। उसके बाद ये इसे दूसरे जानवरों से बचाने के लिए अपने बिल को लकड़ी और पत्थरों के टुकड़ों की मदद से बंद कर देती है। करीब एक महीने बाद लार्वा अंडे से बाहर निकल आता है। फिर धीरे धीरे ये कॉकरोच को अंदर से खाने लगते हैं और कुछ ही समय बाद जब ये बड़े हो जाते हैं तो कॉकरोच के खोल को तोड़कर बाहर निकल आते हैं।